दूसरा सवाल यह है कि एक आदमी ने मन्नत मानी कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं कुर्बानी करूँगा, तो आया उसके ऊपर कुर्बानी के मौके पर जो मन्नत वाली कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है वो करे, या साहिब निसाब होने के एतबार से जो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या वो करे, या दोनों करे? अगर किसी शख्स ने मन्नत मानी हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं कुर्बानी करूँगा और अब उसका वो काम हो गया, वो कुर्बानी उस पर वाजिब है बहैसियत मन्नत के। इस कुर्बानी के लिए उसका साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। अगर वो साहिब निसाब नहीं भी है तब भी मन्नत वाली कुर्बानी उस पर वाजिब है, जैसे भी हो वो उस कुर्बानी को अदा करे। और अगर वो साहिब निसाब है तो मन्नत वाली कुर्बानी भी वाजिब है और दूसरी कुर्बानी जो आम मुसलमानों पर वाजिब है वो भी उस पर वाजिब है। लेकिन मन्नत वाली कुर्बानी में से वो ना खुद खा सकता है और ना ही अग़निया यानी अमीरों को खिला सकता है, बल्कि मन्नत वाली सारी कुर्बानी का गोश्त उसको सदका करना पड़ेगा और बाकी दूसरी कुर्बानी से वो खुद खा सकता है। लिहाजा अगर मन्नत वाली कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब है तो वो उस पर दो कुर्बानियाँ वाजिब होंगी, मन्नत वाली भी और दूसरी भी। अगर साहिब निसाब नहीं है तो सिर्फ मन्नत वाली कुर्बानी उस पर वाजिब है।